मैं स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात को शुरू करूँ। हम लोग लगातार 1.5 महीने से पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सभी ग्रामवासियों से, ग्राम प्रधानों से, सभी नेताओं से हम लोगों ने आग्रह किया, आमंत्रण पत्र दिए कि आप लोग 3 सितंबर को धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें भाग्य से बहुत से लोग आए भी, नेताजी भी आए, जनता भी आए और अपनी बात रखी भी, राजनीतिक भाषण भी हो गए, इसका मुझे बहुत खेद है। क्योंकि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन अराजनीतिक रखा था, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ जब इस सरकार पर तंज कसे गए। क्या इसके पहले सरकारें नहीं थी? सभी सरकारों ने चूड़ियां पहन रखी थी क्या? इससे पहले भी तो सरकारें आई, उन्होंने समिति को नहीं मनवा पाया। जो अभी नेता बोल के गए हैं कि अभी जो सरकार है निकम्मी सरकार है, तो इसके पहले भी सभी सरकारें निकम्मी थी क्या? तो हम लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं दे रहे हैं। मैं सभी नेताओं से बता देना चाहता हूं, सभी जनता से बता देना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ, हमें जो जानकारी है कि यहाँ की समिति नहीं मान रही है, सिर्फ हम उनको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप अपनी बात सिर्फ यहीं तक सीमित रखिए, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, पीड़ित हैं हम लोग। ये महाविद्यालय कितने सालों से बना हुआ है, इसका कुछ मरम्मत हुई है क्या? ये चेहरा खड़ा हुआ है मैदान में, आप दिखाइए जरा सब हर जगह। ये स्वामी जी के समाधि स्थल है, रात्रि में यहां पर अंधेरा रहता है, हम लोगों को दुख होता है। बाहर से छात्र आते हैं, वो जब कहते हैं कि हम लोग स्वामी जी के नाम से यहां पर आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब यहां की दुर्दशा देखते हैं तो उनको घिर आती है, यहां के नेताओं पर, यहां के प्रशासन पर और इस समिति पर। और मुझे सबसे ज्यादा घिन आती है इस समिति पर, क्या ये चारा नहीं कटवा सकती है क्या? 3000 एकड़ जमीन यहां की पूरी पूरा पैसा खा रही है, सालों से पूरी 3000 एकड़ जमीन का पूरा जो अनाज निकलता है, भूसा निकलता है, जो भी निकलता है सब पूरा निकल जा रही है। तो यहां पर आए हुए महानुभाव ने बताया भी है कि उनको इस जो इस समिति का उन्होंने खाया, चीनी खाई, शुगर हो गया, मर रहे हैं यार, निसंतान है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनको नमक भी नहीं बचेगा। स्वामी जी से गुजारिश करूंगा और भगवान से भी निवेदन करूंगा कि इनको नमक कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो इस बात का होता है कि हमारे क्षेत्र की हर साल बच्चियां 1500 बच्चियां लगभग हमारे क्षेत्र की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। और ये नेता आकर यहां पर राजनीति करके चले गए, जाकर एसी में बैठ जाएंगे। कुछ लोग तो यहां से यहां तक नहीं आ पा रहे थे, दुख होता है। सिर्फ राजनीति करने आए हैं क्या? इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, मुझे लगता है शायद इसीलिए विफल होते रहे। ये कोई राजनीति का संसाधन नहीं है, यहां पर हम विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, सिर्फ विश्वविद्यालय की मांग करेंगे। और इसके लिए हमें डंडे, लाठी, जो भी खाना पड़े हम खाएंगे। अभी कुछ बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि वहां पर जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। भाई हमें लाभ चाहिए, किस प्रकार से मिलेगा वो हमें नहीं देखना है, हमें लाभ चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। जिस प्रकार मिलेगा हम उस प्रकार से लेंगे। और अभी जितने भी युवा जन मेरे इस मंच से बोल कर गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मेरे साथ आए, और जो भी मेरे साथ रहेंगे मैं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूंगा। अगर मुझे ये मंच नहीं मिलता है, अगर मुझे रोड पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन मुझे राजनीतिक मंच नहीं चाहिए। अगर यहां पर राजनीति करनी है मैं आज यहां से चला जाऊंगा, मैं वहां धरना प्रदर्शन करूंगा, रोड पर चक्का जाम करूंगा।
करूंगा, जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, बस मेरे साथ युवा आ जाए, मैं वादा करता हूं मेरी जान भी चले जाएगी तो मैं इस बुंदेल ये ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनवा के रहूंगा। और मैं सिर्फ युवाओं से नहीं, इस क्षेत्र के किसानों से मैं भी निवेदन करता हूं। अभी मेरे पूर्व किसी महानुभाव ने बताया कि भाई साहब ने बताया कि किसान आंदोलन बहुत दिन चला, वहां पर किसानों की अधिकता थी और उन्होंने अपनी बात भी रख ली और मनवा भी ली। किस प्रकार त्याग करके, अपना घर त्याग करके, अगर आप अपने घर की चिंता करेंगे तो आप कुछ नहीं पा सकते हैं। स्वामी जी ने अपने घर को छोड़ के ये महाविद्यालय दिया है, क्या आप एक दिन का समय नहीं निकाल सकते हैं क्या? अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप एक दिन का समय नहीं दे सकते हैं क्या? आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए महीनों फिरते हैं, आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए लाखों फीस देते हैं, किराया लगाकर दिल्ली मुंबई भागते हैं, लेकिन यहां तक आने में आपको इतनी समस्या हो गई क्या? हम लोगों ने अपने जेब से पेट्रोल फूंका है 1.5 महीने। हम भी एक छोटे से किसान के लड़के हैं, लेकिन हम लोगों ने ठान रखा है चाहे एक आध बीघा बिक जाए लेकिन आप विश्वविद्यालय बनवा कर रहेंगे, चाहे हमें अपने जान का भी बलिदान देना पड़े। और मैं किसानों से पुनः, अगर मेरी बात सभी किसानों तक पहुंच जाए तो मैं किसानों से बस कहता हूं, अगर पूरे क्षेत्र का किसान अगर यहां पर आ गया तो उसी दिन विश्वविद्यालय बनवाना पड़ेगा इस समिति को। यह समिति के बाप की नहीं है, यह स्वामी जी ने सर्व समाज से ली थी, हर एक समाज से ली है ये जमीन। और मैं जब संपर्क में जाता था तो कई समाज के लोग कहते थे कि भाई उस पर तो एक समाज का अधिकार हो गया, ये आप लोगों की गलती है, आपने एक समाज को दे रखा है, आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं ना आप लोग, मांग ही नहीं रहे, बैठ गए हैं आप लोग। स्वामी जी लोधी नहीं थे, संत होने के पहले लोधी थे, स्वामी जी ने जब महाविद्यालय की स्थापना की तब वो संत थे, और संत सभी के होते हैं, किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं। स्वामी जी ने सर्व समाज के लिए शिक्षा का सागर खोला था, ये तो सर्व समाज का अधिकार है कि ये जो अजगर बैठे हुए हैं यहां पर, जो पूरी समिति का, जो इस इतनी बड़ी जमीन का पूरा पैसा खा जाते हैं, इन लोगों से अपना अधिकार मांगे। मेरे सामने तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन मैं अपने युवाओं से, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो पूरे बुंदेलखंड भर में चलना चाहिए, और अपनी मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो पूरे बुंदेलखंड में चलना चाहिए, जिससे ये समिति क्या जीती है, किसानों ने अच्छों की अगर निकाल दी है। भाइयों बहनों, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये समिति क्या है, सरकार गिरा देती है किसान। अगर हम लोग यहां पर बैठे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय बन पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्वामी जी थे धैर्यशाली, बहुत समय उन्होंने दिया, उन्होंने पूरा जीवन दे दिया, महाविद्यालय दिया है। गांधी जी भी थे, स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था गांधी जी भी थे, उस समय भगत सिंह भी थे। गांधी जी बूढ़े थे लेकिन भगत सिंह युवा थे, और हम युवा हैं, लड़कर ये जमीन, ये विश्वविद्यालय बनवाएंगे, बैठकर हमें लगता है कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं सिर्फ अपने जो बुजुर्ग जन है मैं उनसे सिर्फ सलाह चाहूंगा, आप लोग मुझे सिर्फ सलाह दें क्या करना है, क्योंकि ऐसे धरना प्रदर्शन तो बहुत हो चुके हैं। धरना प्रदर्शन शायद 86 से चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं मुझे याद नहीं, बहुत से धरना प्रदर्शन रहे, हम बैठेंगे भी लेकिन हमें अगर लड़ाई की भी जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे। मुझे बहुत पीड़ा है आज कि मेरे इस क्षेत्र की जनता इतनी बुरी तरीके से सोई हुई है, कुंभकर्ण बनी हुई है, कैसे जागेगी मुझे नहीं पता, लेकिन
आप वृद्ध जन जो आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आप बताइए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हमें विश्वविद्यालय चाहिए। हमारे क्षेत्र की जो बेटियां बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको हमें शिक्षा का एक साधन चाहिए। इसी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। स्वामी जी अमर।